यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर विपक्षी दलों को धूल चटा दी है। भाजपा ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 254 सीट के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की है। जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहां सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कुल 1,27,076 मत हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हाजी यूनुस को 1,01,246 मतों पर ही सब्र करना पड़ा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुबीन उर्फ कल्लू कुरेशी 24,373 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। यानी सदर विधानसभा सीट पर भाजपा और गठबंधन की टक्कर में भाजपा प्रत्याशी ने गठबंधन प्रत्याशी को 29,343 वोट से मात देकर जीत हासिल की है। खुर्जा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां भी भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। खुर्जा विधानसभा सीट पर मीनाक्षी सिंह को 1,37,461 वोट मिले हैं। खुर्जा सीट पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी गठबंधन से बंशी सिंह पहाड़िया 70,377 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खुर्जा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विनोद प्रधान 45,325 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी बंशी सिंह पहाड़िया को 67,084 वोट से मात देकर खुर्जा विधानसभा सीट अपनी मुट्ठी में कर ली है। सिकंदराबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मीराज सिंह पर भरोसा जताया, जिन्हें 1,25,644 वोट हासिल हुए। इसी के साथ लक्ष्मीराज ने सिकंदराबाद विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की है, जबकि दूसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी राहुल यादव 96,301 वोट हासिल कर दूसरे पायदान पर रहे। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी मनवीर सिंह 42,634 वोट पाकर सिकंदराबाद विधानसभा सीट से तीसरे स्थान पर रहे। सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीराज सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी राहुल यादव को 29,343 वोट से मात दी है। डिबाई विधानसभा की अगर बात करें तो यहां भी भाजपा से चंद्रपाल सिंह 1,28,640 वोट पाकर प्रथम स्थान पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर गठबंधन के प्रत्याशी हरीश सिंह लोधी 60,615 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से करण पाल सिंह 24,516 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी हरीश कुमार को 68,025 वोट से मात दी है। अनूपशहर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां भी भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने 1,25,602 वोट लेकर जीत का सेहरा बांधा है, जबकि अनूपशहर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी रामेश्वर को 47,979 वोट के साथ दूसरा स्थान मिला। इसके अलावा एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के शर्मा 44,180 वोट हासिल कर तीसरे पायदान पर रहे। इस विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने बसपा प्रत्याशी रामेश्वर को 77,623 वोट से हराकर जीत दर्ज की है। शिकारपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री अनिल शर्मा मैदान में थे, जिन्हें शिकारपुर विधानसभा की जनता ने दूसरी बार भारी मतों से जिताया है। अनिल शर्मा को 1,13,855 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे पायदान पर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी किरण पाल सिंह को 58,172 वोट मिले। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी मोहम्मद रफीक कुरैशी 37,358 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी किरण पाल सिंह को 55,683 वोट से मात देकर दूसरी बार जीत का ताज पहना है। अब बात करते हैं जनपद बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट की। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी 1,49,125 वोट पाकर प्रथम स्थान पर रहे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी दिलनवाज खान 59,468 वोट के साथ दूसरे पायदान पर रहे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी सुनील कुमार को 36,193 वोट हासिल हुए हैं। स्याना विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी ने आरएलडी प्रत्याशी दिलनवाज खान को 89,657 वोट से मात देकर विधायक की सीट पर काबिज हुए हैं।
आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुके हैं। कहते हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का बुलंदशहर जनपद का मतदान 10 फरवरी को हुआ था। आज प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई है। यहां 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में गिनती का कार्य पूरा हो गया है और उसमें सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। आज सबसे उल्लेखनीय ये रही, सुबह सुबह आप लोगों ने पूछा था कि साहब बड़ा गर्मा गर्मी है, लाइन ऑर्डर होगा और आप कैसे संभालेंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ की सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सभी मीडिया बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस सहनशीलता और उस सद्भाव का परिचय दिया है जिसके लिए बुलंदशहर जाना जाता है। ये गंगा जमुनी तहजीब का ज़िला है। सभी को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई, हृदय से आभार, धन्यवाद। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के इस समीकरण पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गाँव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।